जलवा से शिष्य परफॉर्म करने आ रहे हैं तो उनके गुरु को पूछ लेते हैं कि ये क्या परफॉर्म करने वाले हैं। उत्तरमेश, जोरदार तालियां धर्मेश सर के लिए। ऋतुराज जो है, हाँ वो आपको पता रहेगा, वो गोविंदा का बहुत बड़ा फैन है। छोटा गोविंदा। तो इस बार वो बॉलीवुड स्टाइल कर रहे हैं, गोविंदा की स्टाइल पूरी। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा, बस आप देखो। और तुम हंसते क्यों नहीं हो, क्या हो गया? नाश्ते में हंसी भी खा जाते हो अपने साथ? एक्चुअली अभी तक कैरेक्टर में हूँ, वो जो थोड़े कैरेक्टर लेस हो जाओ, जाओ फटाफट हंसो, थोड़े कैरेक्टर में हूँ। छोड़ दो कैरेक्टर्स, इस मंच पे छोड़ दो सब, फील फ्री। ऑल राइट, यहाँ पे एक और है जो फील फ्री करने आ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए जलवा के लिल मास्टर ऋतुराज के लिए। इस बार मैं सोलो करने वाला हूँ और मेरा सोलो गोविंद है, फुल मसालेदार। ऋतुराज जो है एक दिवाली का जो एक छोटा पटाखा आता है वो है, और इस बार जो सोलो करने वाला है तो बॉम्ब जो है वो एक एटम बॉम्ब बनके फूटेगा। पहले वीक में सीजन 1 सीनियर जीता था, इस बार पकड़ के रखना, इस बार मैं ही सोलो जीतने वाला हूँ, मतलब सीजन 2 जलवा। देखते रहना मेरा सोलो की पहुंचें। होड़ी चढ़ के बांध के सहरा, उसके घर में जाऊंगा। सच कहता हूँ राम कसम, मैं जोरू उसे बनाऊंगा। मास्टर्स भी एकदम ऐसे हैं, डांस गुरु भी एकदम ऐसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर जी, मर्जी जी बताइए जी। ऋतुराज, नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, वो गोरी कौन है? कितना गोरी है आपके पास? तो सोचता है 2-3। कितनी कितनी? 2-3 बताओ, इतनी सी दुकान में इतना सारा सामान है? क्या बात है भाई,
मास्टर मर्जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्पणी इस पे? आपके कॉस्ट्यूम से लेके आपके एक्सप्रेशन से लेके आपके डांस तक सब लाजवाब था. मींस मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, क्योंकि आपने बोला आप गोविंदा के जैसे डांस करना, मतलब पहले से स्माइल थी, वो स्माइल रही. मेरे को लगा वो कभी तो उतरेगी, वो बीच में कुछ अनाप शनाप होगा, लेकिन भाई तू क्या नाचते हो तुम. तुम कंटेम्प्रेरी करके गए कल, आज गोविंदा करके जा रहे हो. संडा बाबा डांस जैसा नाचते हो तुम. क्या बात है यार. मास्टर रेमो, ऋतु आपने जिस तरीके से स्टार्ट किया और जो गोविंदा का आपने उनको घोल के जो पी डाला है, उसके बाद जो नाचे हैं आज, क्या बात. मैं हर एक छोटे छोटे वो एक छोटा सा पैर का, हाँ वो वहाँ से लेके, और वो मतलब ऐसे चुम्मा फेंक फेंक के मारने का मन कर रहा था हर स्टेप पे. इतना खुश होता हूँ मैं जब आपको देखता हूँ डांस करते हुए, कि यार ये लड़का इतना अच्छा डांस करता है. हर डांस फॉर्म दे दो इसको, इतना अच्छा करके जाता है. अमेजिंग ऋतु यादव, अमेजिंग. इतना बढ़िया परफॉर्म किया, गोविंदा भी बुत बन के खड़े हैं वहाँ पे, ऐसे ही हिल ही नहीं पाए पोस्टर में से भी. अरे उसका मन अभी नहीं भरा है. नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस. क्या बात है. थैंक यू सर. मतलब कल के परफॉर्मेंस में भी धमाल किया, अभी धमाल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि देखना है कि श्यामक सर क्या कहते हैं. श्यामक सर. ऋतुराज, मेरे हिंदी में अतुलनीय परफॉर्मेंस, रियली रियली गुड. आपका वो लेग शिमी आप किया वो बताना एक सेकेंड. क्रॉस पीछे आइए. आई लव दैट. आपका कोरियोग्राफी, आपका कॉस्ट्यूम, आपका एक्सप्रेशन, आपका लिप सिंक, उनका कॉम्बिनेशन डांस के साथ, आपका बॉडी का लैंग्वेज, आपका अलाइनमेंट एज ऑलवेज से. एंड मुझे क्या लग रहा है कि आज मैं गोविंदा को इतना भी मिस नहीं किया. सो फॉर मी ऑनेस्टली दिस वॉज अ क्रैकिंग परफॉर्मेंस. एट प्लस टू. तो परफेक्ट 10 यहां से आए. अब मास्टर रेमो यानी हमारे गब्बर सिंह 9 मार्क्स. ओके मास्टर मर्जी 9 मार्क्स. ओके क्या बात है यार, जबरदस्त परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां ऋतुराज के लिए. मुझे एक याद आ गया, श्यामक सर ने कहा था बड़ा अतुलनीय परफॉर्मेंस है. yep. तो अतुल से जरा मैं पूछना चाहता हूँ, वो ऋतुराज के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहता है. ऋतुराज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आई लाइक दिस परफॉर्मेंस और मुझे लगता है कि इससे अच्छा कर सकता है वो और. ये आई लाइक दैट.